मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा सरसों की मौजूदा एमएसपी 5050 रुपए से बढ़ाकर 5450 रुपए प्रति क्विंटल करने का ऐलान किया गया है, यानी सरसों की एमएसपी में 400 रुपए की वृद्धि की गई है। तो वहीं सूरजमुखी की एमएसपी 5441 रुपए में 209 रुपए बढ़ाकर 5650 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। दरअसल त्योहारों की वजह से सोया तेल में उपभोक्ताओं की मांग जोरदार निकलने और सीबोट में सोयाबीन मजबूत होने के कारण हाजिर में सोया तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। उधर सोया तेल इंदौर 20 रुपए बढ़कर 1265 से 1270 रुपए प्रति 10 किलो तक पहुंच गया है। वहीं मूंगफली तेल में खरीदारी कमजोर होने से भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। मूंगफली तेल इंदौर 10 रुपए घटकर 1650 से लेकर 1670 रुपए प्रति 10 किलो तक पहुंच गया है। दूसरी ओर चीन की डिमांड अमेरिका से शिफ्ट होकर साउथ अमेरिका की तरफ होने की चिंता ने भी सोयाबीन पर दबाव डाला है। अमेरिकी सोयाबीन की कटाई 63% पूरी हो चुकी है, जो पिछले सप्ताह के 44% और 52% की 5 साल के औसत से अधिक थी, जबकि सोया तेल का स्टॉक महीने के अंत तक 2 साल के निचले स्तर पर आ गया है। वहीं देश में मंगलवार को सोयाबीन की कुल आवक मंडियों में 8,15,000 बोरी की रही, जिसमें मध्य प्रदेश में 3,85,000 बोरी की आवक दर्ज की गई। उधर इंदौर छावनी मंडी में भी सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली। भाव घटकर 4800 से 4850 और एवरेज सोयाबीन का भाव 4200 से 4550 रुपए प्रति क्विंटल तक बोला गया। त्योहारी मांग के बावजूद खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।